Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video, we'll discuss about the re-entrant kernel. Re-entrant kernel क्या होता है, इसके बारे में आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं. Re-entrant kernel क्या है? कोई भी kernel re-entrant kernel कहलाता है, जो किसी भी प्रोसेस को kernel मोड में बार बार अलाउ करता है उसके एजुकेशन के टाइम पर, जबकि उस समय कोई दूसरा प्रोसेस कर्नल मोड में ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा होता है. यानी री एंट्रेंट कर्नल वो कर्नल होता है जो किसी भी प्रोसेस को उसके एग्जीक्यूशन के दौरान बार बार कर्नल मोड में एंट्री अलाउ करता है, वो भी तब जब उस समय किसी दूसरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन भी कर्नल मोड के अंदर हो रहा हो. अब इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रोसेस ए है जो कि यूज़र मोड में है. जब हम उस प्रोसेस को सीपीयू अलॉट कर देंगे तो वो किस में चला जाएगा? कर्नल मोड में चला जाएगा. यानी कि प्रोसेस ए अब कर्नल मोड में आ चुका है और उसका एग्जीक्यूशन चल रहा है. प्रोसेस ए का एग्जीक्यूशन चलते टाइम पर मान लो उसको डिस्क से रीड करने की ज़रूरत पड़ी. जब डिस्क से रीड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कर्नल को? कर्नल क्या करेगा? उस प्रोसेस को डिस्क कंट्रोलर को पकड़ा देगा कि भाई आप डिस्क कंट्रोलर से, कि आप इसे डिस्क से रीड कराइए. तो कर्नेल क्या करेगा? ये तो चला गया किसके पास? डिस्क कंट्रोलर के पास, प्रोसेस ए. यानी फिर से किस में आ गया? यूज़र मोड में. अब क्या हुआ? सीपीयू हमारा क्या हो गया? फ्री हो गया. भाई सीपीयू ने, कर्नेल ने क्या किया? डिस्क रीड करते टाइम पर प्रोसेस ए को डिस्क कंट्रोलर के पास भेज दिया. तो सीपीयू तो अब फ्री हो गया क्योंकि एग्जीक्यूशन तो अब हो नहीं रहा. सीपीयू इज़ नाउ फ्री. ठीक है, तो अब प्रोसेस बी को क्या हो जाएगा? CPU अलर्ट हो गया. भाई CPU फ्री हो गया था, प्रोसेस बी को हमने CPU अलर्ट कर दिया. प्रोसेस बी ने अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया. प्रोसेस बी का एग्जीक्यूशन चल रहा है किस मोड में? कर्नल मोड में. ठीक है, यूज़र मोड में डिस्क कंट्रोलर प्रोसेस ए को डिस्क से रीड करा रहा है. अब जैसे ही डिस्क कंट्रोलर का काम ख़त्म होगा, यानी कि प्रोसेस ए डिस्क से रीड कर लेगा, तो ये क्या करेगा? प्रोसेस ए इंटरप्ट करेगा किसको? कर्नेल को. क्यों इंटरप्ट करेगा? कि भाई मैंने अपना डिस्क रीड कर लिया है, अब मुझे अपना एग्जीक्यूशन आगे के लिए चालू करना है. तो इसने इंटरप्ट किया कर्नेल को. ठीक है, जैसे ही कर्नेल को इंटरप्ट किया, कर्नेल ने क्या किया? जो बी का एग्जीक्यूशन था उसको तो रोक दिया. ठीक है, उसको वापस कहाँ भेज दिया? फिर से यूज़र मोड में. देखिए ये लाइन किसको डिफ्रेंशिएट कर रही है? यूज़र मोड कर्नेल मोड को. यानी कर्नेल ने प्रोसेस बी को फिर से यूज़र मोड में भेज दिया और कर्नेल किसको अलॉट कर दिया? फिर से ए को अलॉट कर दिया. इससे क्या हुआ? जो प्रोसेस ए यहाँ पर भी एग्जीक्यूट हो रहा था डिस्क रीड करने के बाद, फिर से यहाँ पर उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया. यानी एक ही प्रोसेस का एक से ज़्यादा बार, जो हमने यहाँ लिखा था, किस में एंट्री हो रही है? कर्नेल मोड में. ठीक है, जब जब सीपीयू फ्री होगा हम क्या करेंगे? किसी दूसरे प्रोसेस को अलॉट करेंगे. तो री एंट्रेंट कर्नल में यही होता है कि कोई भी प्रोसेस जब आपका एग्जीक्यूशन कर रहा होता है तो कर्नल मोड में होता है. जब उसको कोई इनपुट आउटपुट एक्टिविटी करनी है, डिस्क से रीड करना है, डिस्क से राइट करना है, तो वो क्या करता है? बाहर फिर से यूज़र मोड में चला जाता है और अपना काम करके फिर से कर्नल से रिक्वेस्ट करके फिर से किस में आ जाता है? कर्नल मोड में आ जाता है. तो ऐसे कर्नल को, जो किसी भी प्रोसेस को उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पर बार बार अलाउ कर रहा है, किस में एंट्री करने के लिए? कर्नल मोड में करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? री एंट्रेंट कर्नल कहते हैं. और इसकी हेल्प से ही हम जो यूनी प्रोसेसर होता है, यानी कि जिसमें सिंगल प्रोसेसर होता है, उसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं. हम कहते हैं ना, एक प्रोसेसर है, एक सीपीयू है, लेकिन हम मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोसेस को या मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं. वो कब पॉसिबल है? क्योंकि हमारे पास री एंट्रेंट कर्नल है. जो नॉन री एंट्रेंट कर्नल होते हैं वो सिर्फ एक बार में एक ही प्रोसेस को कर्नल मोड में जाने देते हैं. जब तक उनका एग्जीक्यूशन पूरा नहीं हो जाएगा वो कर्नल मोड में ही रहेंगे, और जब पूरा हो जाएगा उसके बाद ही उसे यूज़र मोड में भेजेंगे.